कपड़ा मार्केट के पीछे बेशकीमती जमीन पर भारी भरकम जो लश्कर लेकर कब्जा हटाने के लिए पहुंची, नगर निगम की टीम का हौसला एक दिन में ही ठंडा पड़ गया, जबकि निगम 5 दिन तक कार्रवाई करके पूरी 20,000 स्क्वायर वर्ग फीट जमीन से कब्जा हटाने के इरादे से निकला था। मामला जोन नंबर 2 का है, यहां पर अवैध तरीके से कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया गया। इस बारे में महापौर एजाज डिवर ने अनभिज्ञता जाहिर की है, वहीं नगर निगम आयुक्त भी ठीक ठाक वजह नहीं बता पाए हैं कि 5 दिन तक चलने वाली यह कार्रवाई एक दिन में क्यों रोक दी गई। जी वर्तमान में मुझे बहुत जानकारी नहीं है कि कार्रवाई किस नियम के उल्लंघन में हो रही थी। जैसे आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, मैं जल्दी इसकी पता करूंगा क्या स्थिति है। देखिए ये इसकी मेरे संज्ञान में ये जानकारी नहीं है, और यदि मेरे संज्ञान में इस तरीके की अगर कोई कार्रवाई रुकी है और मतलब कोई भी उसमें अगर कोई पॉलिटिकल प्रेशर या कोई हमारे अधिकारी कोई मिलीभगत कर रहे हैं, अगर हमारे पास अगर हमारे संज्ञान में आया तो अधिक जानकारी। सर सत्या राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं सहयोगी। सत्या, कमाल की बात है कि कमिश्नर को भी नहीं पता और महापौर को भी नहीं पता, फिर इसकी कार्रवाई के आदेश कहां से जारी हुए और किसके कहने पर यह कार्रवाई चल रही थी? जब नगर निगम से संबंधित थी जो की जा रही थी कार्रवाई, उन्हें नगर निगम के अधिकारियों को ही नहीं पता इसके बारे में? जी बिल्कुल दीपक, ये देखिए ये लोग गुमराह करने की सीधी कोशिश कर रहे हैं। अगर निगम अमला वहां जाता है तो बगैर कमिश्नर के अनुमति के, महापौर के अनुमति के बगैर कहीं भी कब्जा हटाने नहीं जाएगा, और ये सीधी सीधी बात है। जो पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं और जो ये वर्चस्व की जो दबाव है, इसके चलते ये कार्रवाई को रोका गया है, और जो अधिकारी है ये इनके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे जो वहाँ निगम के अधिकारी हो, इनके पास इसके कोई जवाब नहीं है। मामला ये पंडरी मार्केट का है जहाँ आवासीय। आपको रुकना चाहूंगा, विधायक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुलदीप जुनेजा। कुलदीप जुनेजा, स्वराज एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से नगर निगम का अमला पहुंचा था, 5 दिन तक ये कार्रवाई चलने वाली थी जो अवैध निर्माण के ऊपर, क्यों रोक दी गई बस एक दिन में ही? और अनभिज्ञता कमिश्नर भी जता रहे हैं और महापौर भी। कमाल की बात है कि निगम अमला किसी भी चीज की तोड़फोड़ के लिए निकलता है, लेकिन उसके आदेश न कमिश्नर ने दिए और न महापौर ने, अपने आप चले जाते हैं। जी क्या बोलो, इसके बारे में तो अभी अधिकारी बता पाएंगे। मैं पिछले 10 दिनों से रहूं नहीं उस शहर में, और इसलिए मुझे कुछ जानकारी भी नहीं है इसके बारे में। आप भी अनभिज्ञ हैं? मैं बाहर हूँ, रायपुर में नहीं हूँ 10 दिन से। चलिए कुलदीप जी, जब फिर आपसे सवाल करने का कोई मतलब नहीं क्योंकि आप बाहर हैं और आपके संज्ञान पूरा मामला ही नहीं है। चलिए शुक्रिया जुड़ने के लिए। लेकिन सत्य हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्य, जैसा कि विधायक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो बाहर है और पूरे मामले से वो भी अनभिज्ञ हैं। जाहिर है जब निगम कमिश्नर और महापौर को नहीं पता तो विधायक को क्या पता होगा। तो अब सत्य, इसके पीछे के आखिर कौन रसूखदार हो सकता है? ये पूरा जो अतिक्रमण था या पूरा अवैध बनाया गया था, साम्राज्य का ऑनर कौन था? इसका है मदन लोढ़ा है जो कॉम्प्लेक्स बनाया है, और ये जमीन जो है आवासीय जमीन है जिसपे 5 मंजिला कॉम्प्लेक्स टिका दिया गया है। इसको तोड़ने के लिए निगम का अमला वहां पहुंचा था, उस दौरान लगातार, अभी ये जो विधायक कुलदीप जुनेजा जो उत्तर से विधायक हैं वहां पे वो पहुंचे थे, उन्होंने ये कई सारे बातें की वहां पे, और वो सब जानकारी में है। लेकिन वो चौंकाने वाली बात यह है कि मैं बाहर हूँ इस तरह के हवाला देते हुए मामले से वो भी बचते नजर आ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी कार्रवाई, निगम राजधानी रायपुर में इतनी बड़ी कार्रवाई करने के लिए निगम अमला निकला हो और विधायक महापौर कमिश्नर को ना पता हो, ये कैसे हो सकता है? सत्य, इसके बाद अब क्या कुछ नगर निगम ने सफाई दी है कि अगर ठीक है संज्ञान में लाया जाएगा? बात में टाल मटोल करने की कोशिश भी की होगी उन्होंने? जी बिल्कुल, हमने यह तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश की, यहाँ तक हमने जो जिस कॉम्प्लेक्स के मालिक मदन लोढ़ा से भी बात की, उन्होंने साफ कहा है कि ये तो अधिकारी बताएंगे आखिर उन्होंने रोका क्यों, और अधिकारी बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं है। तो ये बड़ा सवाल उठता है कि ये कार्रवाई कैसे हुई और नोटिस किसने जारी किया? कमिश्नर के हाथों से नोटिस जारी हुआ है, और ये पूरा सहमति होता है जो अवैध निर्माण जो हटाने जाते हैं, तो इस तरह के तमाम जो बातें हैं ये दबाने की कोशिश की जा रही है इस मामले को। पूरा मामला 30,000 वर्ग फीट का है, जिसमें आगे और जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप तस्वीर, उसके आगे और पीछे हिस्सा का जो अवैध बना हुआ है, और 2-3 मंजिला का परमिशन था, 5 मंजिला कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाया गया है,
और साथ में जो कॉम्प्लेक्स मालिक है उसको नोटिस दिया गया, उसके बावजूद भी इस तरह के जो जवाब मिल रहे हैं अधिकारियों का, तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये प्रेशर है और इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सत्य है, जिस जमीन की बात की जा रही है क्या कीमत रही होगी इस जमीन की, और सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर ये अवैध नहीं था तो फिर जो निगम कर्मी आए थे तोड़ने के लिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल, ये जमीन अवैध है और इस पे कब्जा भी है, कब्जा का भी मामला है, और जो परमिशन मिला था जितने जमीन उनका अवैध है उससे आगे पीछे दोनों साइड में कब्जा एक्स्ट्रा बनाया गया है, और जितने बिल्डिंग जो परमिशन था जितने इमारत बनाने के जितने फ्लोर का उससे ज्यादा बनाया गया है, इसलिए वहाँ पे पहुंची थी पहले दिन जोरों शोरों से 50-60 लोगों की टीम वहाँ पे क्रेन लेकर ड्रिल मशीन लेकर और ये सब तमाम वहाँ पे कार्रवाई जारी था। मौके पर हम पहुंचे थे, सीधी हम लोग लाइव दिखाए थे, इस मामले को उठाया था, उसके बाद जब दूसरे दिन वहाँ पे पहुंचे तो पूरा मामला ठंडे बस्ते में था, वहाँ पे कोई नहीं था। और बता दें कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत जोर से हुई थी, पिछले बार भी इसमें कोशिश की गई थी हटाने का लेकिन निगम अमला खाली हाथ उनको वापस लौटना पड़ा था। जाहिर सत्य है कुछ ना कुछ जिस तरीके से इसमें छिपाया जा रहा है या फिर कुछ ना कुछ इसमें रसूखदारों का कुछ लेना देना तो है, क्योंकि नगर निगम कमिश्नर सौरभ कुमार को भी स्वराज एक्सप्रेस ने संपर्क करने की कोशिश की, वो भी फोन का जवाब नहीं दे रहे हैं। वहीं जो उपायुक्त हैं फूलक भट्टाचार्य, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। कॉम्प्लेक्स मालिक मदन लोढ़ा, उन्होंने नंबर डिलीट तक करने की बात कह दी है। और जिस तरीके से देखा जाए तो जो अधिकारी हैं वो जाहिर सी बात है सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं। कुलदीप जुनेजा, जैसा कि आपने बताया कि वो वहां पहुंचे भी थे, जब वो अनभिज्ञता जता रहे हैं तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ इसमें ऐसी वजह है जिसकी वजह से न जनप्रतिनिधि न ही अधिकारी को जवाब देने से बच रहे हैं। शुक्रिया आपका सत्य तमाम जानकारी के लिए। सूरजपुर की